नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। पिछले साल रवि शास्त्री और सौरभ गांगुली के बीच हुए कोच इंटरव्यू विवाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्रिकेट बोर्ड एक नया कदम उठा सकता है। बीसीसीआई टीम इंडिया के मुख्य कोच की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया को खत्म करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने एक अखबार को दी जानकारी के मुताबिक क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोच की नियुक्ति के तरीके पर अंतिम फैसला ले। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और गांगुली सेस के सदस्य हैं। अनिल कुंबले के मुख्य कोच के पद से हटने के बाद ये जगह खाली हो गई है। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड के अंदर इंटरव्यू प्रोसेस को खत्म करने के संबंध में चर्चा हुई है।